अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई कोफ्ता। एकदम सॉफ्ट आपके कोफ्ते बनेंगे और जो ग्रेवी है उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, ट्राई करना तो बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए है 3 पाव चिकन, जिसको हमने कीमा बना लिया था। फिर इसमें हम रोस्टेड बेसन शामिल कर देंगे, 2 बड़े चम्मच इसमें हमने बेसन शामिल कर दिया। इसमें हम लहसुन शामिल कर देंगे कुटे हुआ 1 बड़ा चम्मच, अदरक शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ, जीरा शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच जिसको हमने अच्छी तरीके से कूट लिया था, नमक शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च शामिल कर देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, एक करी मसाला यानी कि सब्जी का मसाला 1 बड़ा चम्मच। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च, दोनों को अच्छी तरीके से हमने फाइन चॉप कर लिया था, इसमें हमने शामिल कर दी। अगर आपके पास लाल मिर्च नहीं है तो ये ऑप्शनल है। अब इसमें हम मक्खन शामिल कर देंगे ब्लू बैंड का, 2 बड़े चम्मच मक्खन की शामिल कर देंगे। आप कोई भी मक्खन ले सकते हैं, इससे हमारे कोफ्ते बहुत जूसी और सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अब अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएंगे। जैसे हमारे मिक्स हो गए हैं, अब इसमें हम शामिल कर देंगे लीमू का 1 बड़ा चम्मच, हम लीमू का रस इसमें शामिल कर देंगे। 1 प्याज शामिल कर देंगे मीडियम साइज का, जिसको हमने इस तरीके से चॉप कर लिया था। क्रीम शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच, हरा धनिया चॉप किया हुआ 2 से 3 चम्मच। तरीके से अब हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इनको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस ट्रे पर। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे और हाथों को ग्रीस कर लेंगे अच्छे, ताकि जो भी हम बॉल बनाएं तो वो हमारे हाथों पे मिक्सचर चिपके ना। हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और उसको बॉल की तरह हम बना लेंगे लाइक दिस। इस तरीके से आप छोटे छोटे कोफ्ते बनाते जाएं। ये देखिए हम इस तरीके से कोफ्ते बना के रखते जा रहे हैं। इस तरीके से हमने थोड़ा सा मिक्सचर लिया, हाथों के मतलब से गोल राउंड राउंड किया, इस तरीके से बन गए। तो इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो ये देखिए 17 से 18 हमारे कोफ्ते बन गए। इस तरीके से आप इनकी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो आइए इनको हम फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से हम सारे कोफ्तों को अच्छी तरीके से रखते जाएंगे और फिर इनको हम फ्राई करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इनको हम अच्छी तरीके से फ्राई करना है, फिर इनकी हम साइड चेंज करेंगे। ये देखें लाइटली सा हमारा गोल्डन होने लगे। इस तरीके से हम सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे जब तक अच्छी तरीके से सारे कोफ्ते हमारे डन हो जाए। ये देखें सारे अच्छी तरीके से कोफ्ते हमारे डन हो गए हैं, यानी कि गोल्डन ब्राउन हो गए। तो अच्छी तरीके से ये हमारे सारे पक गए हैं। मज़ीद इनको 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे ताकि जो भी थोड़ा सा कच्चापन हो वो ख़त्म हो जाए। टोटल हमारे कोफ्तों में 10 मिनट लगे हैं पकाने में। ये देखिए कोफ्ते हमारे अच्छी तरीके से पक गए हैं सारे। अब जो ये ऑयल हमारा बच गया है फ्राई वाला, ये हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब इनको हम रखेंगे साइड पर। अब इस पैन में थोड़ा सा हम ऑयल शामिल कर देंगे, प्याज शामिल कर देंगे इसमें, 2 मीडियम साइज के हमने प्याज ली थी जिसको हमने इस तरीके से काट लिया था। इसको हमें स्लाइटली सा रोस्ट करना है। अब इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्च, आप चाहें तो जायके के मुताबिक हरी मिर्च ऐड करिएगा। तो इसमें हम 5 से 6 अदद हरी मिर्च शामिल कर देंगे। तो इसमें हमने हरी मिर्च शामिल कर दी थी, अब इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 4 मगज शामिल कर देंगे, आप चाहें तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 4 मगज रोस्टेड फ्राई हुए हमारे ये काजू हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे काजू, जितनी रिक्वायर्ड हो उतनी आप ऐड करिएगा। 1/4 कप हमने 4 मगज में शामिल कर दिए। तो इसमें हमने 4 मगज शामिल कर दिए थे। तो ये रहे हमारे रोस्टेड काजू, आप चाहें तो सफ़ेद वाले काजू भी ले सकती हैं। इसके बगैर भी ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। थोड़े से डालते हैं काजू, फ्लेवर आ जाए काजू का, बस इतने, क्योंकि हमने 4 मगज बहुत सारे डाले थे तो इसलिए हमने काजू सिर्फ इतने शामिल कर दिए। मिक्स कर लेंगे इसको, अब ठंडा कर लेंगे और रखेंगे साइड पर। इसके हम पेस्ट बना लेंगे। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तो सबसे पहले हमने 2 बड़ी इलायची शामिल कर दी नहीं, और छोटी इलायची शामिल कर देंगे 3 अदद, 1/2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर देंगे, काली मिर्च शामिल कर देंगे 7 से 8 दाने, थोड़ा सा जीरा शामिल कर देंगे इसमें 1/2 छोटा चम्मच, लहसुन शामिल कर देंगे कुटा हुआ 1 बड़ा चम्मच। अब इसमें हम अदरक शामिल कर देंगे। सबको अच्छी तरीके से हम स्लाइटली सा रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे 1 मिनट के लिए। अब लाल मिर्च शामिल कर देंगे सूखी हुई। अब इसमें पेस्ट शामिल कर देंगे जो कि हमने बनाई थी, प्याज, काजू, 4 मगज और हरी मिर्च की, वो हमने पेस्ट बना ली। हमने पेस्ट बनाई थी, इसी जग में हम थोड़ा सा पानी शामिल करके ये ग्रेवी में शामिल कर देंगे। इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, पानी शामिल कर देंगे ग्रेवी में। अब इनको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो इसमें हम हरी मिर्च शामिल कर देंगे 2 से 3 छोटी वाली शामिल कर देंगे। इसमें क्रीम
आप चाहें तो कोई भी क्रीम ऐड कर सकते, क्योंकि हम मलाई कोफ्ते बना रहे हैं तो क्रीम तो लाजमी इसमें डलेगी। तो ये वाला पैकेट हमने लिया था क्रीम का, तो आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं, तो इसमें हमने आधा शामिल कर देना है। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और भूनेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा। 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा इसमें हमने शामिल कर दिया। अब इसमें हम काली मिर्च शामिल कर देंगे 1/4 चम्मच। अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच जायके के मुताबिक। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कोफ्ते सारे इसमें ऐड कर देंगे, सारे कोफ्ते इसमें हमने ऐड कर दिए, ठीक है, मिक्स कर देंगे। है ना मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी। हम गरम मसाला शामिल कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच, तरीके से मिक्स करना है। ये देखें तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम हरा धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ। अब इसको 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखें कोफ्ते हमारे अच्छी तरीके से गल गए। ये देखें हमारे कोफ्ते, हमने रख दिए काजू, फिर इसके ऊपर हम रख देंगे क्रीम। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। थोड़ा सा हमने छिड़क दिया हरा धनिया। देखें भाई हमने कितनी मेहनत करके इतनी मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लेकर आते हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए हमारी रेसिपी डन हो गई है। सर्व करें गर्मा गर्म नान चपाती रोटी के साथ। ये देखें कितना हमारा जूसी सॉफ्ट ये कोफ्ता हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गया है, बहुत जूसी बना है, बहुत टेस्टी बना है चिकन मलाई कोफ्ता, बहुत ज़बरदस्त। ये हमारी रेसिपी रेडी हो गई है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।